May I come in? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलीगढ़ काइट फ्लायर्स ऑफिशियल। दोस्तों सामने बैठे अपने अलीगढ़ के लेजेंड मोहसिन भाई, आई कर दीजिए, ये देख रही है, ये हमारे मोहसिन भाई हैं, और इनके खजाने को तो आप सामने देख ही रहे होंगे, बकाया आपने स्लोमो में देख लिया होगा गाइस किस तरीके के जेम्स बना रहे हैं। सामने आपको सोफे पे रखे नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे मोहसिन भाई हैं। मोहसिन भाई, तो आपके कोई उस्ताद हैं या खुद से बनाना सीखा, या फिर किस किसने हेल्प करी आपकी मेकिंग की? काफ़ी लोग उस्ताद हैं। अच्छा। किसी ने यूट्यूब पे बताया, किसी ने, खासतौर पे चंदर भाई की कुछ वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा। उससे मुझे काफ़ी कुछ देखने सीखने के लिए मिला। और यहाँ हमारे जमालपुर में जाहिद भाई हैं। जाहिद भाई जो है वो, उनसे काफ़ी कुछ मालूम किया मैंने पतंग के बारे में, और उन्होंने ही मुझसे कहा भी बनाने के लिए, लेकिन बस ये बात जैसा भी आपके सामने यही बना लेता हूँ। और हमारे जाहिद भाई को गाइस मैं बता दूँ, देसी बांस के कमांड ठड्डों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बेहिसाब उन्हें नॉलेज है। ये देख सकते हैं, ये जितनी पतंगें सामने आपको नज़र आ रही हैं उसका सैंपल ये सामने आपको सोफे पे नज़र आ रहा होगा गाइस, ये देसी बांस रखा हुआ है फटा हुआ, इसी के कमांड ठड्डे इन सारी पतंगों में चढ़े हुए हैं। ये सारी पतंगें देसी बांस के कमांड ठड्डे प्रिपेयर्ड हैं। चलिए गाइस देखते हैं मोहसिन भाई की मेकिंग, देखते हैं क्या क्या उनने जेम्स बना रखे हैं, और किसी दिन फुर्सत में इनकी मेकिंग भी लाएंगे गाइस, जल्दी लाएंगे। फिलहाल देखते हैं इनकी बनाए हुए कुछ जेम्स, तो दिखाइए मोहसिन भाई। अच्छा, ये देखिए, बहुत बहुत शानदार, ये देख सकते हैं। और मुझे इससे ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है नीचे वाली, ये देखिए, और नीचे वाले नीचे देखिए गाइस, क्या कहने, हमारे अलीगढ़ के बेताज बादशाह हैं गाइस। ये इस पे घुटाई देख सकते हैं गाइस, कितनी खूबसूरत ये घुटाई हो रही है इस पतंग पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्ट। अरे वाह, ये थोड़ी उस्ताद की याद दिला रहा है मुझे, ये देखिए गाइस, उस्ताद अली नवाब साहब की ये याद देख सकते हैं, उन्हीं से ही कुछ इंस्पिरेशन लग रही है गाइस। जी वो सभी के उस्ताद हैं जी, तो उनका तो क्या जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं सबकी ही इंस्पिरेशन रहते हैं, और जब बात स्टार की आ जाती है तो उन्हें भूलना तो मुमकिन है ही नहीं गाइस। ये और ये देख सकते हैं ये फर्मा भी बहुत अच्छा है गाइस, लोग मिस्टेक कर जाते हैं फर्मे में, लेकिन ये फर्मा बहुत शानदार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट काइट्स, ये देखिए पीछे से आगे से एक सी है, ऐसा नहीं गाइस पीछे चौड़ी चुक्का रखी हो या फिर ऐसा कुछ, आगे और पीछे सब सिमिलर है गाइस, ये देख सकते हैं। अरे वाह, 3D, ये 3D है, तो इसमें कितनी मुझे काफी टाइम लग गया था, ये बड़ी मेहनत है, स्केच करने में टाइम लग गया था। अच्छा हाँ, ये बनाना मजा बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, पूरी आर्ट एंड क्राफ्ट है गाइस, ये देख सकते हैं। अरे क्या कहने इस पतंग के, घुटाई बहुत शानदार की हुई है। और जितने भी न्यू मेकर्स हैं गाइस, कहीं ना कहीं आप भी इंस्पायर हो रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए गाइस। भाई के लिए लाइक और शेयर तो भाई बनता है जी, जो भी फायदे जी।
और शुक्रिया मोहसिन भाई का अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये देख सकते हैं क्या कहने पतंग के, कोई तोड़ नहीं गाइस। और अलीगढ़ में मेरे ख्याल में क्या ही बोला जाए, मतलब शायद से हमारे अलीगढ़ में टॉप पर ही चल रहे हैं मोहसिन भाई आजकल मेकर्स की दुनिया में। ये देखिए गाइस क्या बोले हैं। और नीचे कितनी खूबसूरत क्राफ्टिविटी आ रही है, ये देखिए पूरा कट एंड पेस्ट का काम, पूरा पेपर कटिंग का काम है गाइस। पूरी मेहनत पतंग में आपको साफ नज़र आ रही होगी। घुटाई बहुत शानदार की हुई है, ये देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काइट की ओर। अरे वाह, ये हल्के हल्के इसको चेंज करना चाह रहा था। अच्छा, मैं इसको बहुत टाइम में पकड़ पाया भाई। अच्छा। मेरा कोई उस्ताद इस तरह से तो है नहीं। हाँ। मुझे बता दे, मुझे जो कुछ करना है वो अपने आप खुद से करना है, खुद के दम पर करना है जो करना है। इसलिए मुझे एक तो गलती है, फिर उसके बाद परफेक्ट आ जाती है। तो एक शुरुआत के जोड़ा हुआ डिजाइन है गाइस, और मगर ये परफेक्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। ये देख सकते हैं आप, इस पर गुटाई भी बहुत शानदार, बिल्कुल स्ट्रेट गुटाई है, ये नहीं है कोई भी एक आध भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो गाइस। ये सारी पतंगें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट काइट। अरे वाह, क्या ही बोले, बहुत शानदार। कमान ठड्डा किसका यूज कर रहे हैं आप भाई? बिल्कुल देसी है, बांस लाता हूँ कहीं से भी। अच्छा, मार्केट से बांस खरीद के लाए? हाँ, उसको सुखाने के बाद तैयार हो जाता है, जो मुझे पसंद आता है जी। बांसों में से एक आध बांस मुझे मिल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये सारी गांठदार पतंगें गाइस, अरे वाह, ये तो आपने कहीं भी अपलोड नहीं करी थी गाइस, ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है। अरे नहीं 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 हम कहाँ लेकर जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये फर्स्ट टाइम है जो कि दिखाई जा रही है, वरना ये मोहसिन भाई ने हमारे ने छुपा कर रख रखी थी ये पतंग जी। ये देखिए खुद बता रहे हैं मोहसिन भाई, ये पतंग बहुत कमी से मोहसिन भाई ने अपलोड करी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। ये देखिए, ये सबसे शुरुआत की पतंग है, और इस टाइम इस पतंग की ऐसी चाल हो रही है, मतलब अब इसमें डोर मिल जाए, ये पूरी पक्के पतंग तैयार हो चुकी है गाइस। ये देख सकते हैं आप, बहुत शानदार ये पतंग हो रही है, एक नंबर। ये सारी पतंगें एक सी हैं। चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए गाइस चांदतारा, एक नंबर। नीचे भी चांदतारा, ये स्टार हैं गाइस, और स्टार। ये सब इसका, अरे वाह, ये देखिए, और बहुत खूबसूरत ये बनी हुई है। हाँ, अच्छी लग रही है। और कमान ठड्डा बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है गाइस, वो प्लेन पतंग। हाँ, इसमें ज्यादा हैवी कमान ठड्डा लग रहा है, ये देखिए। और पतंग भी ऐसी हो रही है गाइस कि बस पूछिए मत, अभी तो कम से कम कुछ नहीं तो इसकी एक साल और एजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक से गाइस जोड़ लगे हुए हैं इस पतंग में, ये देख सकते हैं आप। और चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कार्ड की ओर। ये देखिए, ये डोरी वाली सिकाई होती है गाइस, जो ठंडे पे की जाती है धागे की मदद से, और यही वो सारे बारीकी वाले काम है। पतंग में मेहनत साफ नज़र आती है गाइस, जिस पतंग में मेहनत की जाती है उसमें नज़र भी आती है, जैसे कि ये यहाँ पर मेहनत नज़र आ रही है गाइस। और देख सकते हैं आप, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मालेदार तोकिया हुआ, पट्टीदार स्टार हुआ, सारे उस्तादी वाले डिज़ाइन है गाइस। ये इन सबको ही जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और ये पतंग देख सकते हैं, उसमें घुटाई अच्छा, के बस इसे उड़ाने का भी मन नहीं हो रहा। इसकी गुटाई, ये देखिए ऐसी गुटाई गाइस कलकत्ता के लोग ज़्यादा करते हैं, और बड़ी अच्छी लगती है ये गुटाई। और पर्सनली मैं भी करता हूँ गाइस अपनी पतंगों पे ऐसी गुटाई। और ये थोड़ी शुरुआत की पतंग नहीं गाइस, जब जब बनानी सीख ही रहे थे। अच्छा, ये हमारे भाई है दीपू भाई,
दीपू भाई, ये उनको गिफ्ट देना है मुझे। अच्छा दीपू भाई को, ये पतंग करीब एक साल हो गया मेरे पास रखे हुए, उनको दे नहीं था। अच्छा, क्योंकि जब उनसे मुलाकात होती है तो पतंग साथ नहीं होती, ये सारा सीन रहता है। तो अगर दीपू भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आ जाइए मोहसिन भाई के घर, बोलिए आपकी अमानत है मेरे पास, जब चाहे आप आकर ले जाइए। गाइस आपके लिए खजाना रख रखा है मोहसिन भाई ने हमारे ने, ये देखिए ये कुछ प्लेन पतंग। अरे वाह उस्तादी, उस्तादी जिसे कहेंगे। अब इसके जोड़ भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ये देखिए गाइस, ये देखिए जोड़ देख सकते हैं आप, बिल्कुल खिले हुए। इस डिज़ाइन को क्या नाम दें? कुछ भी नाम, अरे वाह। अच्छा मेरा तो काम था, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, पतंग भी मुझे अच्छी लगती है। अरे वाह ये देख सकते हैं ये सारी एक नंबर, सारे उस्तादी वाले डिजाइन गाइस। और अब ये नीचे डिजाइन आ रहा है देखते हैं, अरे वाह। तो ये इतने अच्छे डिजाइन जोड़ने का आइडिया कहाँ से आता है आपको? तो अपने आप रंग जुड़ते चले जाते हैं, काटो और उसके बाद लगाओ, ऐसा करते हैं। हाँ तो वो हो जाता है, हो जाता है। ये देखिए गाइस इसमें पत्ता भी देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं ये कितनी शानदार ये पतंग है। समझ आ रहा है, हाँ ये वाली पतंग का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ और हैवी, और हर कोई बना भी नहीं पाता है इनको। अच्छा तो आप समझ गए, हाँ तो फिर मोटिवेशन तो है ही है सबकी गाइस। तो उसी दिन मैंने बनाया था, अच्छा मन का आज तो बनाना है, बनाना है। अच्छा तो बनी बहुत अच्छी है गाइस, हाँ ये देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख भी सकते हैं हमारे अलीगढ़ में इतने अच्छे मेकर्स भी हैं और अच्छे लड़ाने वाले भी हैं। हमारा अलीगढ़ भी मतलब अपनी पतंगबाजी में एक अपनी पोजीशन लिए हुए है गाइस, ये देख सकते हैं। क्या कहने हैं ऐसी पतंगों के गाइस, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस, आप सबको हम अपना अलीगढ़ रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं अलीगढ़ में कितनी पतंगबाजी का क्या जुनून है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए गाइस, इसीलिए हम आपके लिए शूट्स कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस चांद तारा, और ये बड़ी बड़ी प्यारी पतंग आ रही है गाइस, क्या कहने, और इसके भी क्या कहने गाइस, ये देख सकते हैं। और ये हैं हमारे मोहसिन दद्दा, सामने देख सकते हैं आप, और ये है इनका अड्डा पतंगों का। व्यूवर्स देख लीजिए ये सारी पतंगें, और ये देखिए गाइस यहाँ फोकस करिएगा, मेहनत देखिए इस पतंग में, इतने अच्छे अच्छे आइडिया गाइस मुझे पर्सनली नहीं आता। तो ये देखिए गाइस समथिंग स्पेशल, ये हमारे मोहसिन भाई की क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क देख सकते हैं आप, और ये रोज़ का फ्लावर बनाया है। ये देखिए पीछे से भी दिखा देंगे गाइस आपको हम, ये देखिए ये है कितनी शानदार ये पतंग बनी हुई है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी मेहनत लगी थी इसको बनाने में। भाई इसको बनाने में एक दिन लग गया था, एक दिन लग गया था, क्योंकि मेरा ऐसे ही आधे घंटे बना दिया, फिर घूमने चले गए। अच्छा अच्छा ये देखिए, चलिए देखते बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ वो स्केच की तो वो पूरी है ही गाइस, ये देख सकते हैं ये सारी, ये देखिए गाइस परफेक्शन, ये हैं परफेक्शन। पिछली वीडियो जो थी अटेम्प्ट थे, वो पिछली पतंगें जो थी वो अटेम्प्ट थे, ऐसे वाले डिज़ाइन ये हैं परफेक्शन गाइस, समझ में आया कि कैसे, कैसे बनते हैं ये देखिए। और भी ज़्यादा मोटाई कर सकते हैं इसमें, और भी करने के लिए। हाँ हाँ, तो किस चीज़ से बनी हुई है लेही फेविकॉल, किस चीज़ का यूज़, ये सब लेही से बनी हुई पतंगें गाइस, और अभी हमारे मोहसिन भाई का दिमाग चलेगा किसी दिन और, तो और मॉडिफाई कर दी जाएगी गाइस। क्यों मोहसिन भाई, ये देखिए जो कहते हैं जलवा है हमारा यहाँ, ऐसे ही मोहसिन भाई का जलवा है हमारे कालीगढ़ में, ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट काइट्स की ओर, ये देखिए गाइस परफेक्शन,
गाइस कहते हैं ना कोशिश करते रहनी चाहिए, तो एक कोशिश है तो उसका फल भी सामने आपको नज़र आ रहा है गाइस। हमारे मोहसिन भाई ने कोशिश करी तो इतनी अच्छी पतंग है, सबसे शुरू की पतंग ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी। और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस वो नीचे आ रही है, अब दिखा दें गाइस आपको पतंग द जैम, ये देखिए गाइस। ये मेरा कुछ नहीं है, कलकत्ता के कारीगर हैं प्रदीप समानता जी। अरे भाई बहुत अच्छे डिज़ाइन डालते हैं, बहुत खूबसूरत पतंगे बनाते हैं वो जी, जी। मैंने उनका ही एक डिज़ाइन देखा और मैंने चोरी किया इसको, सीधा सीधा बताऊँ चोरी, थोड़ा बहुत बल्कि चेंज किया है मैंने इसमें हाँ। लेकिन हाँ ये जो क्रिएटिविटी थी ये थी उन्हीं की थी। तो गाइस लोग कबूल नहीं करते, ये हमारे मोहसिन भाई कबूल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ है और बहुत खुशी है। जो जिसकी है भाई वो उसका अपना खुद उस्ताद है जी, तो उससे अगर कुछ लिया तो भाई हमें इस बात में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इसे बताने में कि ये उनका है तो है, मैं अपना कुछ बनाऊंगा भाई कोई कहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये इस पर घुटाई हो रही है फ्लावर वाली गाइस, ये देख सकते हैं आप, नज़र आ रही होगी आपको कैमरे में। और ये पतंग है गाइस, क्या कहने इस पतंग के। मोहसिन भाई आपको एक ऐसी पतंग मेरे लिए भी बनानी है। ये वाले ले रहे। नहीं 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 ये तो आपकी अमानत है, नहीं ये आपकी अमानत है, ये देख सकते हैं आप, देखते हैं नेक्स्ट फाइट्स, पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट फाइट्स की ओर। अच्छा 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 ये देखिए भाई, ये देखिए पतंग क्या बोले, एक नंबर। ये देखिए ये इतना दिमाग कहाँ से लगाया है आपने, कट 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 पता नहीं क्या क्या बना दिया, क्या बोलेंगे इसको ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे बन गया, इसको जो भी है बन गया बस बनाते बनाते बना रहा था। ये पाकिस्तान वगैरह में वहाँ पर कुछ मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो वो गुड्डे बनाते हैं, गुड्डे उड़ाते हैं, उसमें वो उल्टा पुल्टा करके डिजाइन डालते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ मैंने उनका डिजाइन देखा था, तो मैंने अपना बना कर देखा, इस तरह से मुझे ये अच्छा लगा तो ये आ गया, मैंने इसको ऐसे डाल दिया हाँ। और ये अब आपका डिज़ाइन हो गया, जो मैं जो सबसे पहले इंडिया में बनाया वो हमारे मोहसिन भाई ने बनाया, ये देखिए गाइस ये देख सकते हैं यार। अच्छा नाम लेना चाहेंगे, नाम ले लूँगा भाई। अच्छा अच्छा मेरा भाई नाराज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए ये क्या है, अच्छा फैलकॉन ईगल, ईगल फेस, बहुत शानदार क्रिएटिविटी, क्या कहने गाइस, बहुत बस थोड़ी एजिंग हो गई है तो थोड़ी सी हल्की सी पतंग में लोच आ गई है गाइस, रखे रखे मौसम से, धूप दिखाएंगे सब सही हो जाएगी गाइस, ये मौसम की नमी होती है चली जाएगी धूप दिखाने से। मुझे इस तरह के जितने कैलकल वगैरह बहुत से ऐसे फेस है अब पतंग का मुझे वो डिज़ाइन करना है। अच्छा थोड़े बड़े करना, पूरी पतंग ब्लैक रखनी है, ये ऐसा हुआ था मैं पतंग पे कांप चढ़ा रहा था, तो कांप चढ़ाते मैं उठकर चला गया तो बेटे से टकराया तो वो पूरा ही गुस्सा निकल गया। अच्छा अच्छा वो फट गया, तो आपने मांग ली डाल दी। अच्छा अच्छा लेकिन अब सोच रहा हूँ इसे मांगियल के साथ ही इसको बनाओ और अच्छी लग रही है गाइस पतंग, ऐसी बात नहीं है लेकिन बस तो ये है कि ये लो चल रही थी बहुत कम हो गया, शुरू में रहता उसके बाद खत्म हो गया। हाँ वो थोड़ी रखे रखे सही हो जाती है पतंग, मैंने अच्छा अच्छा दूर पे भी चली आई है। अच्छा तो आपकी पतंगों क्या रिजल्ट रहता है कभी आपने लड़ाई हो तो? मैंने खुद जो लड़ाई है भाई, अभी मैंने किसी को दिया नहीं, जितना हाँ। मैं जानता हूँ उस हिसाब से मुझे तो सही लगा और देखने में भी गाइस आपको पता चल रही होगी ये पतंग इनका तोड़ है ही नहीं गाइस, जैसे ये फर्मे हैं दूर पे पास पे दोनों तरफ लड़े आएंगे, क्लियर दूर आगे ही लड़ाई था और ये पतंग कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल कर दिया, बट काम है डबल बहुत ज़्यादा, वो इसकी काम भी ओवर है हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा वेट ले हाँ वेट ज़्यादा लेती है, बहुत मुलायम पतंग है इसका पूरी काम इसकी चले बहुत ज़्यादा योगदान लगा। और ये लास्ट टू काइट्स जो कि सामने आपको नज़र आ रही होंगी गाइस, तो ये भी पतंगें हैं जो कि हमारे मोहसिन भाई ने दूर के लिए प्रिपेयर कर रखी हैं, ये देखिए गाइस एक नंबर एक नंबर। ये मैंने जो अब जो घाट बनाया लास्ट में हाँ। वो ये घाट है मेरा। अच्छा इस घाट को मुझे कंटिन्यू बनाना, अच्छा इसी पे ही बनानी है, दो घाट सेलेक्ट किया है ये वाला और एक नया भी नीचे में वो मैं दिखाऊंगा, शुरू में दिखाया था मैंने अभी जी जी हाँ। अच्छा वही उन्हीं पे ही बनानी है।
चलिए गाइज, तो यही थी गाइज आप आज की वीडियो। किसी दिन जल्दी फुर्सत में मेकिंग भी आएगी गाइज मोहसिन भाई की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज, और अलीगढ़ से हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और वैसे भी हैं जो भी हैं गाइज भाई कमेंट करके बताइए कौन सी पतंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मुझे पर्सनली पसंद आई वो पीकॉक वाली आई थी गाइज। हाँ, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।